सबसे तेज खबर साउथ ईस्ट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। साउथ ईस्ट जनपद के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञापन देने पहुंचे थे, जब उनका ज्ञापन घंटों तक नहीं लिया गया तो ऐसे में नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। इस दौरान आधे घंटे तक सड़क जाम रही, जहां पर जमकर नारेबाजी की गई। तस्वीरें सावधी जनपद के जिला मुख्यालय का एक बड़ा मामला, जहां पर गंगा कलेक्टर के सामने सड़क जाम रही। संबंध जो 3 सूत्रीय बिल पास हुआ था, उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन यहां का सर्वस्ती जिलाधिकारी नियम हम किसानों की समस्याओं को नहीं सुनना पड़ रहा है। इसके वजह से मैं अपने जो भाई खेत में खड़े हुए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। कारण ये है, क्योंकि किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जिसके खून पसीने से हम लोगों का पेट भरता है, उस किसान की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ सुबह 2 बजे से बैठे हुए हैं। बार बार अल्टीमेटम देने के कारण जब जिलाधिकारी महोदय बाहर नहीं निकले, तो मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। और इस संबंध में अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसानों की हक की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, मेरी कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सारे किसान रोड पे आ चुके हैं और ये अब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मजबूरन यहां का प्रशासन अंधा और गूंगा हो गया है, जो हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता है। इसके लिए मजबूरन मुझे रोड चक्का जाम करना पड़ा। इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी मुझे स्वीकार है, मुझे कोई डर नहीं है। किसान के लिए मुझे अगर जेल भी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। डीएम श्रावस्ती, होश में आओ, होश में आओ।